अररिया में पिछले महीने हुए दो विभिन्न लूटकांडों का जिला पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसके पास से लूट में इस्तेमाल किया गया हथियार और लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ चार अपराधियों को उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि कुर्सा कांटा थाना अंतर्गत पकड़ी पंचायत के सतारी टोला के पास से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। विजय कुमार मंडल पिता महेश मंडल चिकनी घाट वार्ड संख्या 13 निवासी, जो हीरो के HF डिलेक्स बाइक से जा रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बाइक और मोबाइल फोन लूट लिया था, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने थाने में दर्ज कराया था। वहीं दूसरी घटना ताराबाड़ी थाना अंतर्गत फुलवारी डायवर्जन के पास की है, जहां पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने अरुण झा से बंदूक की नोक पर पैशन प्रो मोटरसाइकिल, मोबाइल और 63,000 रुपए नकदी लूट लिया था। आवेदन मिलने के बाद SP ने टीम गठित कर जांच शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें सफलता हाथ लगी है। घटना का एक अन्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, पुलिस उसे भी जल्द गिरफ्त में लेगी। साथ ही इस उद्भेदन में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए SP हृदयकांत को अनुशासन की जाएगी। अररिया अनुमंडल अंतर्गत दो थाना क्षेत्र में लूट की वारदात हुई थी, एक कुर्सा कांटा में और एक ताराबाड़ी में। दोनों ही घटना एक सप्ताह के अंतराल में हुआ था और इस घटना को कारित करने वाला अपराधी कुख्यात अपराध कर्मी था जितन उर्फ जितेंद्र राठौर, जो बौसी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। इस पर टीम का गठन पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया था और इस टीम में शामिल कुर्सा कांटा थाना अध्यक्ष महलगांव, थाना अध्यक्ष सदानंद, ताराबाड़ी थाना अध्यक्ष और बौसी थाना अध्यक्ष, ये सारे लोग टीम में वर्क कर रहे थे और टेक्निकल सेल से भी हम लोग का टीम में लगा हुआ था। SP साहब के जो स्पेशल फोर्स है वो भी लगा हुआ था, मेरे नेतृत्व में कार्रवाई हो रही थी और आज उसमें सफलता मिला है। सबसे पहले इस गैंग का जो कुख्यात सरगना है जीतन राठौर को गिरफ्तार किया गया मदनपुर OP में। थाना अध्यक्ष मदनपुर के सदानंद शाह थे, कुर्सा कांटा और अन्य थाना अध्यक्ष भी थे। उसके गिरफ्तार के बाद इसका लगातार इंट्रोगेशन और लीडिंग टू रिकवरी में जो लूटा हुआ था कुर्सा कांटा थाना का बाइक HF डिलक्स और ताराबाड़ी का पैशन प्रो, ये दोनों मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और बौसी थाना क्षेत्र में जितेंद्र शर्मा उर्फ जितेन के साथ साथ इस घटना में संलिप्त मुन्ना यादव, पंडुप यादव और दिनेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। कुल चार अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, दो मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है और घटना में प्रयुक्त जो है होंडा साइन मोटरसाइकिल, उसकी भी बरामदगी किया है। कुल मिलाकर ये गैंग का पूरा डिटेक्शन हुआ है। एक व्यक्ति इसमें रह गया जो लाइनर का काम करता था, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उस लाइनर का काम करने वाला ये कुर्सा कांटा क्षेत्र का है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसमें इसके अलावे इस टीम में जो शामिल सदस्य थे उसमें कौशल कुमार थाना अध्यक्ष, अजीत कुमार चौधरी, सदानंद शाह, श्याम नंदन यादव, भरत प्रसाद यादव, पवन कुमार यादव, संतोष कुमार, ये जो दोनों थे सिपाही ने, उन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य किया है और जितने टीम में शामिल है इसको सबको आज ही हम पुरस्कृत करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अनुशंसा भेज रहे हैं। और ये लगातार जो दो लूट की घटना से लोगों में पुलिस के प्रति जो नकारात्मक छवि थी उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ है इसके बरामद होने से।